हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ स्टाइल टिप्स। आई एम दिव्या। आज मैं आप लोग के साथ दो हेयर बैंड शेयर करने वाले हूँ जो बहुत ही ईजी हैं और देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। हमारे हेयर बैंड जो छोटे बेबीज़ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं ये दोनों हेयर बैंड। तो आप अगर हेयर बैंड को बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो फैब्रिक लिया है। पहले हम बेबीज़ हेयर बैंड बनाएंगे जो बेबीज़ के ऊपर बहुत ही खिलते हैं और बहुत ही अच्छा लगते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद अपने बेबीज़ को ज़रूर पहनाइएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा इलास्टिक लिया है और दो छोटे छोटे फैब्रिक लिए हैं। ये मेरा पाँच इंच का फैब्रिक है और इसकी चौड़ाई है लगभग 4 इंच, तो मैंने इसको ढाई ढाई इंच में कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद से मैं इसको मिडिल पर से दोनों तरफ से जोड़ लूँगी, सिलाई लगा लूँगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगा लिया और मेरा यह जो दूसरा वाला फैब्रिक था उसके अब फैब्रिक को डबल प्रोसेस में फोल्ड करना है और ऊपर से फोम रख करके और हमें तीनों दो तरफ सिलाई लगा लेना है। तीनों तरफ मान लीजिए आप लोग को लगा लेना है सिलाई और बीच में हमें सिलाई नहीं लगाना है क्योंकि उधर से हमें इसको सीधा करना है। अब हमें इसको कोन कोन पे बैठा लेना है क्योंकि ये हमारा बन अच्छे से बन के तैयार हो जाए। आप लोग देख सकते हैं मैंने बना लिया है, बहुत ही खूबसूरत बन के ये तैयार होने वाला है। और उसके मुंह जो हम लोगों ने छोड़ा था, जिस देर से हम लोगों ने इसको सीधा किया उधर हम लोग सिलाई लगा लेनी है। आप लोग इसको चारों तरफ सिलाई लगा सकते हैं या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा ये चारों तरफ से सिलाई लग रहा है। तो फ्रेंड, आप लोग अगर मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो पूरा देख लीजिए कैसा लगता है आप लोगों को। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक छोटा सा फैब्रिक पतला सा लेना है। डोरी भी आप इस पर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस पर एक सिलाई लगा रही हूँ पतला सा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये बन के तैयार हो गया। वाओ, अभी से कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब मैं इस पे लगाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं बस लगा के छोटा सा डोरी और इस पे मैंने सिलाई लगा दिया। बहुत ही इजी ट्यूटोरियल बता रही हूँ, अगर जिसको नहीं आता होगा बनाना वो भी ये बना सकता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार कि ये कैसा आप लोग का बनता है। अगर आप लोग का भी मेरे जैसा बन जाता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये पतला वाला दूसरा फैब्रिक लिया है और इसको मैं दो बार फोल्ड करके और अंदर इलास्टिक को डाल करके और सिलाई लगा लूँगी। बहुत ही इजी तरीका है ये हमारा हेयर बैंड बनाने का और ये बेबीज़ पे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खिल के आता है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप मैं सिलाई यहाँ पर लगा रही हूँ और उसके बाद से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है बस हमें वैसे ही सिलाई लगा लेनी है इस पर। आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे लगा रही हूँ, बस सेम प्रोसेस आप लोग को भी करना है। ये हमारा बेबी हेयर बैंड, आप किसी भी फैब्रिक का बना सकते हैं, किसी भी आप चौड़ा वाला इलास्टिक ले सकते हैं या पतला वाला भी ले सकते हैं। ये हेयर बैंड आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, घर में रहते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप इस हेयर बैंड को ज़रूर यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है डियर फ्रेंड, तो आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिए। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक मिडिल पे एक सिलाई लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पे कोई भी नाप नहीं ले रही हूँ क्योंकि आप अपने सर के अकॉर्डिंग नाप सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे नाप नहीं लिया है, बस अपने सर पे मैंने इसको रखा था और गोलाई में इसको पकड़ के और जितना मेरा सर का साइज था मैं उतना ही इस पर सिलाई लगा रही हूँ। तो अगर आप अपने बेबीज़ के लिए बना लें तो बेबीज़ का सर ज़रूर नाप लीजिए एक बार, और अपने लिए बना रहे हैं तो ज़रूर नाप लीजिए। बस मैंने इस पर एक सिलाई लगा दी। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर जो मैंने बन बनाया था इसके ऊपर सिलाई लगा, उसके ऊपर रख करके और एक छोटा सा सिलाई लगा दूँगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने बन लिया और यहाँ पे ये रख करके और एक छोटा सा सिलाई लगा रही हूँ। आप लोग चाहें तो इससे मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं, मुझे ज़्यादा ईजी लगा सुई से लगाने में, तो मैं यहाँ पे अपने हाथों से मदद से और सुई से सिलाई लगा लूँगी। दो टाका मारना है। आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक मोती भी बैठा सकते हैं, और भी अच्छा लगेगा हमारे हेयर बैंड। तो मैं यहाँ पे कोई मोती वोती का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बस सिंपल से एक हेयर बैंड बना रही हूँ जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है इसे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोग का कैसा बना और कैसा लगा आप लोग। देख सकते हैं मैंने एक सिलाई सुई की मदद से इसको
पकड़ के और सिलाई लगा दी। बस हमारा हो गया। अब आप लोग जरूर इसे हेयरबैंड को देखें और देखिए आप लोग कितना सुंदर दिख रहा है। वाह, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा और मैंने इसे मतलब पहना भी था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, पहनने पे तो और भी प्यारा लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं ना कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने बहुत इजी मेथड बताया, बहुत इजी ट्यूटोरियल था, आप लोग आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं ये हेयर बैंड और बहुत ही अच्छा दिखता है। अब मैं यहाँ पे दूसरा हेयर बैंड बताऊँगी जो रैबिट ईयर्स का, बहुत ही प्यारा लगता है रैबिट ईयर्स हेयर बैंड। और ज़रूर देखिए आप ये हेयर बैंड कैसे बना सकते हैं। हमें यहाँ पे एक पेपर लेना है और उसको रैबिट के ईयर जैसे रहते हैं वैसे कटिंग करना है। उसके बाद से कपड़े पे रख के आप इसको आसानी से कटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कैसे कटिंग किया। तो हमारा एक ईयर्स बन के तैयार है। अब मैं इसको डबल करूँगी क्योंकि हमारा ये एक से नहीं होने वाला, तो मैंने इसको डबल फैब्रिक कट कर लिया है। अब मैं इसको फोम में कट करूँगी। फोम आप देख सकते हैं मैंने लिया है और उसके बाद से मैं वो दोनों ईयर्स को इस पर रखूँगी और एक फोम में कट कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने फोम उसके साइज का कट किया है। बस इजी से हमें ये फोम कट कर लेना है, उसके ऊपर से हमें ये दोनों फैब्रिक रखना है और नीचे फोम रखना है और हमें थोड़ा सा किनारे से आधा इंच की दूरी लेकर के और एक पतला सा सिलाई लगा लेना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलाई लगा दी पूरे चारों तरफ फैब्रिक के और बीच में मैंने एक सिलाई छोड़ दिया है, थोड़ा सा एक फिंगर इतना दूरी मैंने छोड़ दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अब मैं इसको उधर से सीधा कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने सीधा कर दिया। उसके बाद से आप लोग को क्या करना है, उसको आयन कर देना है। आप लोग बिना आयन किए भी रख सकते हैं मगर मैंने आयन कर दिया। और उसका जो मैंने 2.5 इंच की डोरी ली थी उसको पतले साइज में सिल लेना है और हेयर बैंड में ऐसे निकाल लेना है। आप लोग देख सकते हैं मैंने इसमें ऐड कर दिया अच्छे से, पूरे फैब्रिक को उसमें डाल लेना है। आप लोग देख सकते हैं और जितना भी आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है आप लोग कट कर सकते हैं, अच्छे से लगा लीजिए उसके अंदर। फिर आप लोग एक्स्ट्रा कपड़ा जितना भी होता है सब कट कर दीजिए। ये देखिए मैंने लगा लिया अच्छे से और सारे कपड़े मैंने कट कर दिए। अब आप इस पर रैबिट ईयर्स जो हैं हमारे दो, उसको अच्छे से उस पर ऐड करेंगे और फिर एक पतला सा फैब्रिक से हमें उसको ज्वाइंट कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है मेरा ये हेयर बैंड। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं। COVID-19 से बच के रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए और प्लीज़ फ्रेंड ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।